उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत से जुड़ी बुरी खबर मिल रही है। दिल्ली से घर लौटते समय रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हम्मतपुर झाल के समीप मोड़ पर उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। हादसे के बाद ऋषभ पंत को दिल्ली रेफर किया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक ऋषभ पंत के माथे, पैरों में और पीठ में काफी चोटें आई हैं। बता दें कि हादसे के बाद ऋषभ पंत की कार में आग लग गई थी और कार पूरी तरह से जल गई है। गाड़ी का शीशा तोड़कर पंत को बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। बताया गया कि उनकी प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। इसके लिए डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया है। जानकारी मिली है कि ऋषभ पंत की कार रेलिंग से टकराई थी और इसके बाद कार में आग लग गई। हादसे के बाद मौके पर उन्हें कार से बाहर निकाला गया और दिल्ली रोड के सक्षम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शुरुआती इलाज के बाद उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया है। ऋषभ पंत अपनी मर्सिडीज कार से घर लौट रहे थे। हादसे के बाद पंत की कार से कुछ पैसे भी गिर गए थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने उठा लिया।